बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोम किचन में आपको खुश आमदीद है। तो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है कलौंजी दाल। आज मैंने 250 ग्राम दाल ली है, वो है चने की दाल। उसको मैंने भिगो लिया था, एक घंटा दाल भिगोई है। और उसके बाद मैंने लिए है पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून लिए हल्दी, और एक बड़ी इलायची, और लौंगी ली है, काली मिर्ची ली 5-6, और कलौंजी ली है 1/2 चम्मच, 1 टेबल स्पून, और मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ, 2 तेज़पत्ता, और नमक हल्दी जायका। उसके बाद मैंने लिया है ऑयल, आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया है, इसलिए कि इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा शामिल होता है। उसके बाद मैंने 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, 250 ग्राम प्याज लिए हैं जो हमने इसको बारीक काट के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अब हम आपको तरकीब बताएंगे ये दाल। इसमें हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। 3 गिलास पानी शामिल कर दिया हमने इसमें। ये टमाटर शामिल कर दिए इसमें हमने।
हमारी कलौंजी दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत टेस्टी होती है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से कलौंजी दाल, बहुत मज़े की बनती है। खाएंगे आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। तो ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप ट्राई करिएगा, मुझे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और नए आने वाले मुझे सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकअल्लाह।